नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो सबसे पहले बात करेंगे चार राज्यों में की जा रही मतगणना की। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मतगणना की जा रही है। शुरुआती रुझान सबके सामने आ गए हैं और कहीं ना कहीं ऐसा परिपक्व लग रहा है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए थे उस तरीके के ही रुझान शुरुआती दौर में देखने को मिल रहे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में भी बीजेपी की ही सरकार बनती अब तक रुझानों के हिसाब से समा जा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ में शुरुआती रुझानों में एक तरफ कांग्रेस आगे चल रही थी, इस बीच ही 2 घंटे के अंदर एक फेरबदल हुआ और इस बीच अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। एक तरफ कहीं ना कहीं दर बदर टाइम से हिसाब से कभी सीएम भूपेश बघेल अपनी सीट से आगे चलते हैं तो कभी वो पीछे हो जाते हैं। इस तरीके से ही डॉक्टर रमन सिंह का, जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रहे हैं, उनका भी सीट से कभी वो आगे चलते हैं और पीछे चलते हैं। इस तरीके के ही रुझान अभी तक देखने को मिल रहे हैं। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी कांग्रेस बीआरएस को कड़ी टक्कर दे रही है और बीआरएस को पछाड़ते हुए कांग्रेस तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। बड़ी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के रुझान सबको हिलाकर रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रुझानों ने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के दावे कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही थी उन दावे, ये भी दावे रुझानों के हिसाब से फेल होते नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल बहुत दावे कर रहे थे चुनाव से पहले, प्रचार के दौरान भी वो अपनी सरकार को रिपीट दिखा रहे थे। वो बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में फिर से ही कांग्रेस सरकार बनेगी और भूपेश बघेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ में काम करते नजर आएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है और रुझान सीधे सामने आ रहे हैं। रुझानों में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां एक तरफ बीजेपी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया है और कांग्रेस को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस रुझानों के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 36 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं बीजेपी 56 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, सीधा स्थिति लग रही है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार जाने वाली है। इस तरीके से तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज विश्वकर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। इनसे हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के रुझानों की, छत्तीसगढ़ की हालिया स्थिति की। तो पंकज जी, किस तरीके की स्थिति छत्तीसगढ़ में रुझानों के हिसाब से देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों पर आगे चल रही है और ये छोटी बोटी पर लीड नहीं कर सकते, कहीं 10,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 30,000 वोटों की लीड चल रही है। जी जी जी, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव है और 46 सीटों पर बहुमत है और बीजेपी इस टाइम बहुमत से भी आगे चल रही है। बहुमत से आगे चल रही है, सही कहा जुबैर आपने। 36 सीटों पे सिमट रही है कांग्रेस, 1 सीटों पे अन्य आगे है। सीपीआई के एक बड़े नेता है मनीष सिंघाल, जो दंतेवाड़ा से आगे चल रहे थे, जी जी जी, वही शायद ये सीट है जो अन्य के खाते में जा रही है। बाकी देखा जाए तो स्पष्ट बहुमत पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 53 सीटों पे आगे है। मुख्यमंत्री रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री है, 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी अपनी सीट पे 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस खबर पे मैं जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को, अगर बात करें बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की, तो वो करीबन 17,541 वोट से अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में 15 साल के कार्यकाल के रहे मुख्यमंत्री रमन सिंह अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। इस स्थिति को किस हिसाब से देखते हैं पंकज जी? जी जी जी, शुरुआती 2 चरण में तो वो पीछे भी हो गए थे लगभग 350-400 जी जी, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपनी लोकप्रियता
कहीं नहीं खोली है। ये एक बड़ी आंधी थी 2018 में जिसमें कांग्रेस सवार होकर सत्ता प्राप्त जरूर कर ली थी, लेकिन 5 साल के कार्यकाल के बाद बहुत आरोप लगे हैं, बहुत खींचाकशी की गई थी कांग्रेस और कांग्रेस सरकार के ऊपर, 36 सीटों पर सिमट चुकी है। तो कांग्रेस तो चुनाव से पहले प्रचार के दौरान बड़े दावे कर रही थी, वो अपनी कल्याणकारी योजना, चाहे आप उनको रेवड़ी कहें, चाहे योजना कहें और लोगों को सहूलत पहुंचाने की कोई कामगार कहें, लेकिन कांग्रेस तो बड़े वादे करती नजर आ रही थी। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। जी 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 घोषणा पत्र में ही कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही थी। मुख्यमंत्री ने अलग घोषणा पत्र जारी किया, मुख्यमंत्री वो अलग जगह में थे, राजधानी रायपुर में, कुमारी शैलजा जो कांग्रेस के प्रभारी है, प्रभारी हैं, जी जी छत्तीसगढ़ प्रभारी, जी पत्र लॉन्च किया। जी तो घोषणा पत्र तो कांग्रेस ने भी लॉन्च किया था और घोषणा पत्र बीजेपी की पार्टी की तरफ से भी लॉन्च किया गया था, लेकिन घोषणा पत्र से एक तरफ अलग करें सरकार का कार्यकाल, सब लोग भी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल सरकार ने लोगों को बहुत सी योजनाएं दी हैं, धान खरीद हो, लोगों के और भी चीज़ों में फायदे हों, स्कूल को लेकर भी वो बड़े बड़े दावे करते छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे थे। इस चीज़ पर क्या स्थिति अब कांग्रेस की दिख रही है? जी सबसे बड़ी बात यह है कि जो धान का पैसा बोनस के रूप में दिया जा रहा था वो दो दो तीन तीन किस्तों में दिया जाता था। जी जी वित्तीय वर्ष के बाद दूसरे वित्तीय वर्ष में उसको दिया जाता था। ठीक है, धान का पैसा कांग्रेस गवर्नमेंट जरूर दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ लोग खोल थे। दूसरा, जो भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, चाहे गोबर से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो पल्लीकर से जुड़ा हुआ हो, स्कूल के बड़े स्कैम सामने आए, आखिर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर भी 508 करोड़ रुपए तो छत्तीसगढ़ में शुरुआती रुझान, जब से मतगणना शुरू हुई थी, शुरुआती रुझान में कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी, कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया था और बीजेपी उस वक्त कांटे की टक्कर देती नजर आ रही थी। करीबन करीबन 50% सीटें कांग्रेस के हिस्से में रुझानों में आ गई थी, 50% ही बीजेपी के हिस्से में आ रही थी, 1-2% ही बीजेपी छत्तीसगढ़ में नीचे चल रही थी। अचानक 2 घंटे में फेरबदल हुआ। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 16 राउंड में ये मतगणना की जा रही है और अब तक 5 राउंड ही खुले हैं, क्या कुछ एक और बार फेरबदल हमें रुझानों में देखने को मिलेगा? जी जी 18 है, कहीं 19 है, कहीं 21 है। जी 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 समझ सकते हैं, अगर थोड़ा सा पीछे अगर अपन चले 2000 में ये संयुक्त मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। जी जी मध्य प्रदेश का भी अगर ट्रेंड देखें तो 167 सीटों पर बीजेपी आगे चल जी 167 सीटों पर छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं सिमिलर है। 2018 के भी चुनाव में देखेंगे जी कांग्रेस ने वहाँ सरकार बनाई थी, अलग कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। मध्य प्रदेश की भी अगर अपन बात करें तो 167 सीटों पर कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई है, 230 विधानसभा क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ की बात करें 90 विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी 53 से आगे है और 36 सीटों के आसपास कांग्रेस सिमट चुकी है। तो आप कह रहे हैं कि 36 सीटों पे कांग्रेस सिमट चुकी है, ये किस तरीके का फेरबदल देखने को मिला है, किन कामों की वजह से, क्या पार्टी में आपसी खींचतान की वजह से? क्योंकि टीएस सिंहदेव भी इससे पहले वाली सरकार में मुख्यमंत्री का फेस हुआ करते थे, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने कहां प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के पीछे जाकर और उनके साथ जुड़कर टीएस सिंहदेव को सीएम की दौड़ से पीछे धकेल दिया था। इस बीच अब क्या इनमें खींचतान के पहलू दिख रहे हैं? जी 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 अंबिकापुर से जी अगर अपन सरगुजा संभाग की बात करें तो बड़ी हार दिख रही है, 14 के आसपास सीटें हैं, 6 सीटों पर ही कांग्रेस मामूली बढ़त से है। आप बस्तर की बात करें,
जी दो ही विधानसभा ऐसी है जिसमें कांग्रेस आगे बढ़ी है, मामूली अंतर से 500-600 वोटों से ही ट्रेंड में आगे है, जबकि अगर अपन मैदानी इलाकों की बात करें तो बीजेपी 20,000, 18,000, 15,000 वोटों से आगे चल रही है। विधानसभा चुनाव में ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, लोकसभा में आप दूसरे चरणों में तीसरे चरणों में उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा के लिए अगर 10,000 से लग के आप लीड कर रहे हैं तो संभावना लगभग तय हो जाती है कि आप जीत रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक बार में एक अंबिकापुर के आप बता रहे थे, अंबिकापुर की मैं एक बार और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव खुद 366 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहां बीजेपी के रागेश अग्रवाल उनसे आगे हैं। तो वहीं सरगुजा में भी बीजेपी उम्मीदवार राम कुमार टप्पो 3,000 से भी अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी यहाँ फिलहाल 55 और कांग्रेस 32 सीटों पर पहुंच गई है। 33 की जगह कांग्रेस की सीटें अब छत्तीसगढ़ में नीचे स्तर पर जाती दिख रही हैं। पंकज जी, क्या मैं आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में इतनी बड़ी उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है 68 सीटों पर जीत, अगर आप समझे कि 90 विधानसभा में 68 की मेजोरिटी बहुत बड़ी मेजोरिटी होती है। देखिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हाल ही में बयान दिया है कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। तो जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में गारंटी दी थी, जनता ने उस पर भरोसा किया है, इस तरीके का बयान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह का सामने आ रहा है। इस बयान को लेकर आप किस तरीके की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, किस तरीके की स्थिति इन बयानों से बनती नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ रमन सिंह ने सीधे तौर पर सुबह ही एक ट्वीट भी किया था कि अंधेरा छट गया है और सवेरा निकल आ रहा है, लेकिन उस वक्त कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी और सीधे तौर पर रुझानों में अब बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और रमन सिंह लगातार बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को पूरा भरोसा है। तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हुए काम किए, योजनाएं दी, क्या जनता को उन पर भरोसा नहीं? जी 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 दो या तीन पत्र को प्रेषित करते मतलब गणना स्थिति देख लेते क्या रुझान है, कैसी सरकार बन रही है नहीं बन रही है, तो ये अति आत्मविश्वास ही कहलाएगा वर्तमान के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कि उन्होंने कल प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बैटिंग ऐप पर बैन लगाने की मांग की है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि बैटिंग ऐप पर बैन लगाने की बात भूपेश बघेल की तरफ से की गई, लेकिन इस सरकार में जिस तरीके की सरकार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने चलाई है, इस बीच रुझान ये बता रहे हैं कि उनके 7 मंत्री इस वक्त रुझानों में पीछे चल रहे हैं, इस तरीके की स्थिति कांग्रेस की कैसे छत्तीसगढ़ में हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से आप बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, क्या कांग्रेस की क्या कमी रही है इस बीच, इस पर चर्चा करें? तीन दिनों में फेर बदल किए गए, धान के मूल्य को आगे पीछे किया गया और अब ईंधन की फसलें हैं और दूसरे जो दीगर चीजें हैं, जैसे कि मोदी की गारंटी में 12,000 रुपए प्रति
जी पहले आपको देने का उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया था, उसके तीन चार दिन बाद फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आगे बढ़कर ये कहना पड़ा कि कांग्रेस अगर गवर्नमेंट में वापस आती है तो 15,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से प्रत्येक महिलाओं को देगी करके। जी कहीं ना कहीं वो डिफेंडिंग कंडीशन में आके तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया उससे जनता में बदलाव आया, बदलाव दिखा और जनता ने सीधे तौर पर बीजेपी का समर्थन किया, इस बीच क्या मुख्यमंत्री के कार्यकाल की तुलना 5 साल के कार्यकाल की तुलना केवल 3 दिन के अंदर ही की जा रही है? क्योंकि एक तरफ घोषणा पत्र आप बता रहे हैं कांग्रेस ने घोषणा पत्र 3 दिन पहले नहीं किया और बीजेपी ने यहाँ 3 दिन पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो क्या कुछ ऐसी कमी रह गई कि 5 साल के कार्यकाल वो 3 दिन ने ढहा दिया? नहीं, आप देखिए कि 15 साल में जो सबसे बड़ा का विकास हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक चीजें होती है, रोड है, सरकारी जो कार्यालयों का निर्माण किया गया, स्कूलों का निर्माण किया गया, कॉलेजों का निर्माण किया गया, वो पिछले 5 साल से लगभग सबसे बड़ी बात थी। कोरोना के 2 साल सवा 2 साल जो थे उससे काम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक साबित हुआ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, वो 2 साल तक कोई परफॉर्मेंस दिखा ही नहीं पाए। जी दूसरी अगर बात करें अपन तो उनके बजट का एक बड़ा हिस्सा जो जा रहा था वो धान खरीदी में जा रहा था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पैसा तो आ नहीं रहा है ना। आप इस चीज को समझिए कि कुछ सरकारी स्कूलों को उन्होंने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट करके एक छवि बनाने की कोशिश की, जिस प्रकार मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा पे जैसा जोर दिया था। जी लेकिन अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा इलाका जो है आदिवासी क्षेत्रों का इलाका, जी आदिवासी बहुल मूल क्षेत्र कहा जाता है छत्तीसगढ़, शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पाते हो। जी 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 आप वो हिंदी नहीं समझ सकते, वो अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है, हल्बी है, जो उनकी क्षेत्र की भाषा है वो समझते हैं, तो जो बच्चे हिंदी नहीं समझते तो आप उनको इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे? आप इस चीज को समझिए कि शिक्षा का जो अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए था वो प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए था, लेकिन माध्यमिक और उसकी ऊपर की कक्षाओं की। इस बीच में रुझानों के हिसाब से मंत्रियों की सीट को गिना देता हूं जहां से वो मंत्री छत्तीसगढ़ के 7 मंत्री पीछे चल रहे हैं। बता दें कि मंत्री ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं, मंत्री मोहन मरकाम गृह मंत्री रहे कार्यकाल में और वो पीछे चल रहे हैं, मंत्री मोहन मरकाम भी पीछे चल रहे हैं, मंत्री कवासी लखमा भी पीछे चल रहे हैं। इस दौर पर मंत्री मोहम्मद अकबर भी जो कि सरकार में मंत्री रहे, कार्यकाल अच्छा रहा, योजनाएं गिनाते रहे, उसके बावजूद भी पीछे नजर आ रहे हैं। मंत्री अमरजीत भगत भी पीछे चल रहे हैं और मंत्री रुद्रगुरु भी छत्तीसगढ़ में पीछे चल रहे हैं। बात करें मंत्री अनिल भेड़िया की तो वो खुद भी पीछे चल रहे हैं, कहीं प्रचार में अनिल भेड़िया ताबड़तोड़ दिखे थे, नजर आ रहे थे, योजनाएं गिनाते नजर आ रहे थे, कार्यकाल कांग्रेस का गिनाते नजर आ रहे थे, भूपेश बघेल की तारीफ करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये सारे के सारे मंत्री पीछे चल रहे हैं। किस तरीके की स्थिति ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हो गई है? आपने मोहन मरकाम की बात की थी, देखिए 4.5 साल लगभग वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो खुद अपनी सीट से अब पीछे चल रहे हैं। इस तरीके की स्थिति छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की होती नजर आ रही है, एक बड़ा खेल छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो कांग्रेस एक तरफ कह रही थी कि ध्रुवीकरण इस बार छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आएगा, सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से ध्रुवीकरण किया गया, कांग्रेस ने भी ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। तो क्या एक तरफ ये देखा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने काम किया है और अगर काम किया है तो इस बार जनता ध्रुवीकरण में नहीं फंसेगी, लेकिन जैसे तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी में ध्रुवीकरण की वजह से भी कई मंत्री पीछे हैं, ध्रुवीकरण की वजह से ही बीजेपी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाती नजर आ रही है। जनता में ये भी थी कि जैसे गांव के सरपंच अपनी पंचायत को चलाते हैं या गांव को चलाते हैं, तो वही तरीका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का था छत्तीसगढ़ को चलाने का, बताओ सरपंच। मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा
जी 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 रहते हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है। आज की जो रिजल्ट जो सामने आ रहे हैं, तो हम तो यही कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछड़ गए हैं, जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने तो डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं बनाया था, छत्तीसगढ़ में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में ये कहते भी नजर आए लोगों से कि इस बार कोई चेहरा नहीं है, इस बार कमल ही चेहरा है और आप कमल पर वोट दें, और किसी मुख्यमंत्री के चेहरे को बीजेपी ने यहाँ से नहीं लड़ाया था। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। जिस तरीके से अब रुझानों में बहुमत बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, तो क्या डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी देख सकती है? नहीं, देखिए, उन्होंने कुछ समय पहले, कुछ देर पहले, 2-3 घंटे पहले मीडिया में चर्चा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हूँ, मेरे चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से चुनाव नहीं लड़ा है। जी जी, यही मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी ने चुनाव लड़ा है। जी जी, प्रत्येक कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा है, मोदी की गारंटी ने चुनाव लड़ा है। तो आप समझ सकते हैं, उम्र भी हो गई है, 15 साल लगातार मुख्यमंत्री। तो क्या बीजेपी ने छत्रपुर को इस बार नहीं रह गया है रमन सिंह का कि वो बतौर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में काबिज हो सके? लेकिन कई बड़े नाम आ रहे हैं, आपको मैं घटना बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ में पीपी चौधरी जो पूर्व आईएएस है, उन्होंने बतौर कलेक्टर रहते हुए कई योजनाएं जी, उस वक्त 2023 की चुनाव में वो रायगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। रायगढ़ एक बड़ी अच्छी सीट मानी जाती है पार्टी के लिए। जी, वहां पर अमित शाह ने ये कहा था कि आप इन्हें वोट दे के विधायक बनाइए, हम इससे बड़ा आदमी बनाएंगे। स्पष्ट संदेश था कि आने वाले समय में यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होती है तो बहुत बड़े चेहरे के रूप में ओपी चौधरी मुख्यमंत्री के दावेदार है। इसके साथ में आपको बता दूं, सरोज पांडे बहुत बड़ा चेहरा है, रेणुका सिंह महिलाओं की बात करें, गुमती साय रेणुका सिंह वर्तमान में लोकसभा सांसद है। जी जी, इसके अलावा भी अगर आदिवासी नेताओं की बात करें तो रामविचार नेताम है, लटकी राम कंवर है। जी, बड़ी फेहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए। तो जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री के चेहरे का आपने बोल दिया, रमन सिंह ने खुद ही कहा कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा छत्तीसगढ़ में अभी हाल फिलहाल पे नहीं है, क्या छत्तीसगढ़ में एक बार सरकार बन जाए तो रमन सिंह को बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि वो पहले भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? जी, जी, छत्रपो को नहीं नकारा जा सकता, किसी भी राज्य में छत्रपो को, बीजेपी इससे पहले भी छत्रपो को नहीं नकारती थी और छत्रपो को नहीं नकारा भी जा सकता। लेकिन अब बात कर लेते हैं अंबिकापुर से, अंबिकापुर से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पीछे हैं, इस तरह की स्थिति है, क्या ये स्थिति आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई की वजह से तो नहीं बनी? क्योंकि उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव सरकार में, टीएस सिंहदेव बतौर इससे पहले वाले इलेक्शन में मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे। एक तरफ बात निकलकर पिछली बार सरकार में ये आई थी कि 2.5 साल सीएम भूपेश बघेल रहेंगे और 2.5 साल के सीएम टीएस सिंहदेव को बनाया जाएगा। इस बीच भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी में अपनी मजबूती को मजबूत करते नजर आए, अपनी स्थिति को उन्होंने मजबूत किया और सारा का सारा कार्यकाल उन्होंने ही मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल निभाया और कार्यकाल में योजनाएं गिनाई, कार्यकाल किया। इस वजह से क्या टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से पीछे चल रहे हैं? क्या आपसी खींचतान की वजह से ये मतभेद तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल आपको कहने पर सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बड़े असंतुष्ट थे, बाद में संतुष्ट करने के लिए उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया, आखिरी के लिए 3-4 महीने में करने के लिए कुछ था नहीं। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच और टीएस सिंहदेव के बीच खींचतान भी तो बहुत रही, करीबन 4 साल तक आपसी खींचतान रही, इसकी स्थिति किस तरीके से थी उस पर? जी, देखिए, वो लगातार सार्वजनिक पक्षों में भी कहते थे कि मुझे फ्री हैंड से काम करने नहीं दिया जा रहा है। जी जी, वो एक वक्त ऐसा आया था उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा भी दे दिया था,
इस बीच कांग्रेस ने उन्हें मनाया, इसके बाद वो माने, लेकिन वो अपनी सीट से इस्तीफा दे चुके थे। उनका मन था कि वो अपनी उप मुख्यमंत्री पद को भी छोड़ दें, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस में ये कहा था। ये सारी जी जी मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, जी इसलिए करूंगा कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, जी उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग एक जी जी मंत्रालय से इस्तीफा दिया, जी उनको छोड़ दिया था, कारण उन्होंने ये बोला था कि जो गरीबों के लिए जो आवास बनाने के लिए है, 1.5 लाख से ज्यादा आवास वो रुके हुए है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन अपना तो ये सीधा वार उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पे किया था। सीधी लड़ाई उन्होंने अपनी सरकार से मोल ले ली थी उस वक्त। तो इस तरीके की स्थिति की वजह से ही क्या अंबिकापुर से अब वो खुद अपनी सीट से ही पीछे चलते नजर आ रहे हैं? तो किस तरीके के ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, सीधे तौर पर क्या कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है? अभी तक का जो ट्रेंड बता रहा है, 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 35 सीटों पर कांग्रेस आगे है, अन्य पर 2 पर कब्जा है, तो माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में अपनी सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। आपने चर्चा में सारी रुझानों को क्लियर किया, आपने बताया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में रुझान कह रहे हैं, किस तरीके से मंत्री का कार्यकाल रहा, किस तरह से गृह मंत्री के कार्यकाल रहे, सीएम भूपेश बघेल ने क्या काम किया और बीजेपी का घोषणा पत्र सबसे हावी रहा। इस तरीके से बता दें कि छत्तीसगढ़ के रुझानों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। कहां जब मतगणना शुरू हुई थी कांग्रेस ने बहुमत बना ली थी, कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बड़ा खेल नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत से के आंकड़े को भी पार करती नजर आ रही है और सरकार बनाती नजर आ रही है। तो अभी हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के रुझानों की। बता दें कि 4 राज्यों में सेमीफाइनल देखा जा रहा है। मतगणना को सेमीफाइनल इसलिए भी कहा जा रहा है, साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी की इन 4 राज्यों पे नजर थी। जिस तरीके से सब ये कह रहे थे कि ये लोकसभा चुनाव के फाइनल से पहले सेमीफाइनल है, किस पार्टी को लोग चुनते हैं, किस पार्टी की तरफ लोग अपना समर्थन करते हैं और किस राज्य में कौन सी सरकार थी, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में हालिया स्थिति, हालिया रुझानों के हिसाब से बीजेपी 53 सीट पर आगे चल रही है और वहीं कांग्रेस 35 सीट पर लड़ाई लड़ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी।